आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, प्रकाश गमन की दिशा में से कौन सा कारक प्रकाश की चाल को निर्वात में और किसी माध्यम में प्रभावित करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रकाश की चाल अगर निर्वात में हो तो और किसी माध्यम में हो तो किस कौन सा कारक प्रकाश की चाल को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले निर्वात में, ठीक है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल वो एक नियतांक होता है। ठीक है, और उसका मान कितना होता है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। तो यह एक नियतांक होता है, इसीलिए निर्वात में कोई भी कारक प्रकाश की चाल को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात यह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब यही बात करते हैं हम कि किसी माध्यम में। ठीक, तो मान लीजिए कि हमारे पास दो माध्यम है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि एक माध्यम है, ये हम दो माध्यम है मान ले रहे, ये हवा है, ठीक है, और यह कांच है। ठीक, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे अपवर्तन की क्रिया होगी, और अगर हम इस पृष्ठ पे अभिलंब खींचें, ठीक है, तो वायु जो है, हवा, वह क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है, और ये क्या है, सघन माध्यम है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है, ये कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात आती है माध्यम की प्रकृति की। ठीक है, जिसे हम लोग माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है, ठीक है, उसके लिए हम अपवर्तनांक एक हमारे पास पद होता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हवा की बात करें तो इसमें अगर V1 चाल है और कांच में V2 चाल है प्रकाश की, तो V1 चाल जो होगी वह ज़्यादा होगी किससे, V2 से, क्योंकि ये माध्यम क्या है, सघन है, ठीक है, और यह विरल माध्यम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके प्रकृति पे निर्भर करती है, माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माध्यम के प्रकृति पे, प्रकृति का क्या तात्पर्य हो गया कि वह माध्यम सघन है या विरल है। ठीक है, तो जो सघन माध्यम होगी इसमें चाल क्या हो जाएगी, प्रकाश की कम हो जाएगी, और विरल में चाल क्या रहेगी, वो अधिक रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से माध्यम में प्रकाश की चाल को प्रभावित करता है प्रकृति, ठीक, माध्यम की प्रकृति। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपवर्तनांक जो पद होता है, तो μ1 अपवर्तनांक अगर हम माने μ2, तो सघन का अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये विरल का अपवर्तनांक कम होगा, तो μ1 जो होगा वह कम होगा किससे, μ2 से। ठीक है, और म्यू और चाल में जो संबंध होता है, ठीक है, वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ठीक है, तो जिसमें जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। तो इस प्रकार से प्रकाश में चाल की निर्भरता होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।